कांडी से साकेत मिश्र की रिपोर्ट। घायल हुई अनुज की माता ग्रामीणों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुरी तरह झुलसे अनुज कुमार गुप्ता। कांडी थाना क्षेत्र के शिवरी गांव के एक मकान में आग लग गई। इस घटना में एक दुकान सहित मकान में 3 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई, जबकि एक युवक बुरी तरीके से जल गया, वहीं उसकी मां का भी माथा फट गया। कांडी थाना क्षेत्र के पतलिया पंचायत अंतर्गत शिवरी गांव निवासी अनुज कुमार गुप्ता के घर में रविवार की रात आग लग गई। इस खबरन मकान में अवस्थित एक किराना दुकान सहित मकान का अधिकांश भाग व सारा सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के दौरान 30 वर्षीय अनुज कुमार गुप्ता पूरी तरह से जल गए, जबकि उसकी माता भागमती देवी का माथा फटने से घायल हो गई। इस हादसे में 3 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई, जबकि घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। अनुज कुमार गुप्ता ने बताया कि गाड़ी में डालने के लिए 5 लीटर के एक डब्बे में दुकान से पेट्रोल जला लाकर घर में रखा हुआ था। ये पता नहीं है कि आग कैसे लगी। अचानक जब दुकान में आग जलने लगी तो मैं दौड़कर आग बुझाने दुकान के अंदर घुसा, लेकिन सफलता नहीं मिली। दुकान में रखा हुआ फ्रिज कूलर सहित लाखों का सामान जल गया, जबकि घर में रखे अन्य सामान भी जलकर खाक हो गए। इनमें खपरेल छप्पर की लकड़ी, बांस, खपड़ा, घर में रखा अनाज, कपड़ा, बिस्तर, चौकी, चारपाई, बर्तन, बक्सा, नकदी, जरूरी कागजात आदि सब जल गए। आग की लपटें जब बाहर निकलने लगी तो ग्रामीणों ने देखा और शोर मचाया। ग्रामीणों की मदद से डीजल पंप चलाकर लगातार पानी का छिड़काव करके भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताते चले कि इस घटना में अनुज कुमार की मां भागमती देवी का सर फट गया। ये बताती हैं कि मैं बाहर खेत में काम करने गई थी, मुझे नहीं पता कि आग कैसे लगी। जब लोग हल्ला करने लगे तो दौड़कर घर पहुंची। वहां जाने के बाद देखा कि मेरे ही घर में आग लग गई है। हम लोग आग बुझाने के लिए घर में घुसे। आग बुझाने के क्रम में छप्पर में लगी लकड़ी जलकर उसके एक टुकड़ा मेरे माथे पर गिरा, जिससे मेरा सर फट गया। घर सहित घर का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। इस दौरान पत्रकार साकेत मिश्रा ने फोन कर एम्बुलेंस बुला दिया, लेकिन मौके पर मौजूद प्रखंड प्रमुख सत्येंद्र कुमार पांडे उर्फ पिंकू पांडे ने जले हुए मरीज की जलन को देखते हुए इलाज के लिए अपनी एसी गाड़ी से अस्पताल भेजा। नाम का बरव घर बताऊ कि अभी जो घर में आग लगल इराउर घर में लगल बा हमरे घर में लागल बा। कैसे लागल? कैसे लागल भैया कुछ नहीं की जानत हमनी बहरी ओने रही कोला दिन गई। कैसे पता चलल के आग लग पता देख ली कि धुआं उड़त बा, तुहां से कूदे में कूदली समझ के भाई हमर घर में धुआं कैसे उड़त, कोई पते नहीं है हमरा। हम का नुकसान होइल सब कुछ दर दुकान पैसा करी हमर भैया ये घर यही तो सब रखत रही छूटहन रहे हमें ऐसी खाली रहत रही। हाँ सब सामान हमारे ही मेरे पैसा कौड़ी जितना भी कुछ भी रहे से हमारे सामान दुकान भी जल गई बा। हाँ, सब दुकान भी जल गई। दुकान तो 2-3 लाख एकदम घर भर रहे, फ्रिज व्रिज जितना रहे सब सामान। चोट किसे लगल बा? चोट लागल बा कूद के आवे में गिर गई में खापड़ा कोना गड़ गई कूदे में। अच्छा बेग में आवे में आओ कोई नुकसान आओ कोई के चोट वोट कुछ? चोट एगो लड़का के है कूदलक हुआ तो कैसे सब जर गए सब जर गई सब जर गए का नाम बा लड़का के? लड़का का नोज नाम बा। उम्र कितना हुई लड़का के? कहाँ भेज ली इलाज करावे का? गुप्ता आईटी सॉल्यूशन बीपी प्लाजा के बगल में मेन रोड गढ़वा, यहाँ मिलता है सभी कंपनियों का सेकंड हैंड लैपटॉप, वो भी वारंटी के साथ और मूल्य बिल्कुल आपकी बजट में। साथ ही यहाँ लैपटॉप रिपेयर भी किया जाता है, तो देर ना करें अगर आपको भी है सेकंड हैंड लैपटॉप लेना, वो भी अच्छा कंडीशन में जांचा परखा हुआ वारंटी के साथ, तो अभी संपर्क करें। गुप्ता आईटी सॉल्यूशन बीपी प्लाजा के बगल में मेन रोड गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।